Hey there, what's going on guys? Welcome to another tutorial. आज के इस वीडियो में हम ये कॉफी वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं विद ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले इस वेबसाइट का ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले टॉप में आपके पास नेव बार है, जिसमें यहाँ पे आपके पास एक कॉफी का लोगो है और यहाँ पे आपके पास नेव लिस्ट है। तो नेव लिस्ट में उसके ऊपर हमने एक कप का स्लाइडर भी बनाया हुआ है, क्यूट सा। ये देखिए कप आपका बना हुआ है, जिससे जैसे ही हम एक लिंक के ऊपर होवर करेंगे तो क्या होगा, आपका ये कप स्लाइड करके उस लिंक के ऊपर आएगा। जैसे मैं प्रोडक्ट के ऊपर होवर करता हूँ तो ये देखें स्लाइड होके प्रोडक्ट पे आ रहा है, और कॉन्टैक्ट पे जब हम होवर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो इस नेव बार के नीचे आप देखेंगे हमारे पास सेक्शन है। तो ये देखें दो सेक्शन है, एक डार्क ब्राउन कलर में विच इज़ अ टेक्स्ट सेक्शन, दोनों साइड बाय साइड है, और एक हमारा सेक्शन है लाइट ब्राउन में विच इज़ अ इमेज सेक्शन। तो इनको किस तरह से हम साइड बाय साइड रखेंगे, चीज़ों को किस तरह से सेट करेंगे उसके अंदर। और यहाँ देखिए हमारे पास टेक्स्ट के नीचे एक बटन है, बटन पे जब हम होवर करेंगे सिंपल आपका ये ग्रेडियंट चेंज कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास मिडल में तीन सर्कल्स हैं विद डॉटेड बॉर्डर्स, और इनके अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं। और ये इमेजेस हमारे क्या हैं, देखिए प्लांट का इमेज और ये कॉफ़ी बीन्स और ये हमारे पास कॉफ़ी पाउडर। तो ये सर्कल्स को हम किस तरह से सेंटर में अलाइन करेंगे और किस तरह से इनके सर्कल्स के राउंडेड में हम किस तरह से ये डैश्ड बॉर्डर्स लगाएंगे, तो इस वेबसाइट को हम बनाने वाले हैं विद ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे और फोल्डर्स बनाएंगे। ओके, तो फाइल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं वो होगा हमारा index.html, एंटर। ये हमारा फर्स्ट फाइल, और दूसरा फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं style.css, ये हमारा CSS के लिए। अब मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ये देखे इमेजेस यूज़ किए हुए, तो इमेजेस को हम क्या करेंगे, फोल्डर्स के अंदर रखेंगे। तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। तो फोल्डर्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ जब आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर को मैं नाम दे रहा हूँ इमेजेस, एंटर। अब ये हमारा इमेजेस का फोल्डर आ गया, इसके अंदर हम इमेजेस डाल देते हैं। तो हमारे इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए, ये हमारे 5 इमेजेस आज हम यूज़ करने वाले हैं इस वेबसाइट में। तो इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रैग करके हम इस इमेजेस पे फोल्डर के अंदर इस 5 इमेजेस को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो अब देखिए जो 5 इमेजेस हैं हमारे इस फोल्डर के अंदर आ गए, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे, HTML से। तो चलते हैं index.html की तरफ। HTML में सबसे पहले हम क्या करेंगे, Shift 1 में प्रेस कर रहा हूँ, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे आपके पास आ गया बॉयलर प्लेट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टाइटल है वो टाइटल में चेंज कर देता हूँ, और टाइटल हम कर देंगे कॉफी वेबसाइट। ओके, तो ये आपका टाइटल आ गया। अब टाइटल के नीचे हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट को लिंक करवा देंगे। तो लिंक का टैग लगा के और href के अंदर हम क्या करेंगे, css के फाइल का नाम style.css, एंटर। ओके, तो ये आपका फाइल लिंक हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं html से। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द html, सबसे पहले हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। किससे ओपन करें, ओपन विथ लाइव सर्वर। जब आप ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये देखें ब्राउज़र में ओपन हो चुका है आपका वेबसाइट का नाम, यहाँ पे कॉफ़ी वेबसाइट। अभी आपको कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज हमने अभी तक HTML कुछ भी नहीं किया और ना CSS हमने किया। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं VS कोड में और हम स्टार्ट करते हैं बॉडी के टैग के अंदर से। अब हम क्या क्या करना है तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच हमारा क्या होने वाला है, ये हमारे पास वेबसाइट है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नेवबार बनाएंगे, नेवबार को डिज़ाइन करेंगे, और बाद में हम इस सेक्शन की तरफ जाएंगे, दोनों सेक्शन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेवबार क्रिएट करने के लिए मैं बॉडी के टैग के अंदर एक डिव बना देता हूँ, ये हमारा आ गया डिव। और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, नेवबार है हमारा ना, तो क्लास को दे देते नेवबार। ओके,
तो ये हमारा div बन चुका है with class name navbar। अब इसके अंदर हमारा पूरा navbar आने वाला है। navbar के अंदर क्या क्या हमारे पास logo है और nav list है, तो dot logo करके हम एक div बना रहे हैं with class name logo। ये देखें div with class name logo। अब इस logo के अंदर हम image डाल देंगे क्योंकि हमारा जो image है logo है वो image में हमें वो कोई इमेज है। ओके तो इमेज का टैग लगा के src के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले पाथ इमेजेस फोल्डर का नाम फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे लोगो डॉट पीएनजी। ओके अब आपका ये इमेज आ चुका है, मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका इमेज आ गया, लेकिन ये साइज में भी बहुत बड़ा है क्योंकि साइज इसकी बहुत ज्यादा साइज बड़ी है, इसको हम फिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लिस्ट बना देते हैं, तो हम यूएल का टैग लगा के इसको हम क्लास दे देते हैं नैव लिस्ट। ओके तो ये यूएल के अंदर क्लास आ गया। आप लिस्ट बनाने के लिए अलाई का टैग लगा के इसके अंदर हम एंकर लगा देंगे और इसके अंदर हम बना देते हैं अपना लिस्ट। तो यहाँ देखेंगे फाइव आपके पास मेन लिस्ट है, तो उसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके अब मैं ब्राउज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या हमारे पास होम मेन्यू सर्विसेज प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट। ओके यह आपका आ गया होम मेन्यू सर्विसेज, यह आपका प्रोडक्ट और लास्टली आपका कॉन्टैक्ट। ओके आप दिखा देता हूँ मैं ब्राउजर में आपको क्या हुआ है। ये देखें आपका रिफ्रेश करते हैं, ये आपका इमेज और नीचे इसको जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया नैव लिस्ट। ओके आप चलते हैं, लेकिन आगे के जितने भी नीचे आपके जो सेक्शंस हैं उनको आगे हम जाके ऐड करेंगे, लेकिन ये आपका नैवबार है। पहले हम एक काम करेंगे पूरा नैवबार कंप्लीट करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं सारा HTML यहाँ पे अभी ठोक दूंगा तो आपको कुछ भी नहीं समझना आने वाला कि कौन से HTML के लिए हम कौन सा जो है वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ओके तो पहले हम नेवबार को अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, फिर हम सेक्शंस की तरफ चलेंगे। ओके तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टाइल डॉट CSS में और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर से। आपके डिफ़ॉल्ट में जो भी मार्जिन और पैडिंग है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो मार्जिन हम कर देंगे 0, ठीक है, और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के नीचे फॉन्ट्स फैमिली भी मैं लगा देता हूँ एरियल। ओके अब यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक डिव बनाया है विथ क्लास नेम नेवबार। अच्छा नेवबार को अच्छे से देखने के लिए पहले हम इस इमेज को साइज दे देते हैं। ओके तो हमारा इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, नेव लिस्ट है हमारा जो उसके अंदर हमारा सॉरी नेव लिस्ट नहीं नेव बार के अंदर सॉरी लोगो के अंदर हमारा जो इमेज पड़ा हुआ है उसको हम साइज दे देते हैं। तो मैं हाइट दे देता हूँ इमेज को 4 RAM। ओके तो अभी हम क्योंकि पहले क्या आपने अगर वीडियोस अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो पहले मैंने पिक्सल्स में आपको वीडियो बनाए थे, जितने भी मैंने वेबसाइट बनाए पिक्सल्स में हमने बनाए क्योंकि हम बिगिनर्स के लिए बनाए थे, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं रैम, तो रैम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी आपका एक यूनिट है। तो रैम हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके इस वेबसाइट को जब रिस्पॉन्सिव बनाएं तो हमारे लिए ईजी हो, क्योंकि आप रैम से जो है वो ईजीली कोई भी वेबसाइट आप इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ओके तो इसमें आज ज़्यादा आपको मीडिया क्यूरीज डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके तो इस वजह से अब हम रैम यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ देखिए आपके पास ये जो इमेज है लोगो आपका ये साइज़ आ चुका है 4 RAM का। ओके तो अब हम क्या करेंगे, मैं डॉट नेव बार करके नेव बार को क्या करूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और कलर हम देंगे रेड ताकि हमें नज़र आए नेवबार हमारा कहाँ पे कितना रहने वाला है। ये देखिए पूरा हमारा ये नेवबार है। अच्छा मैंने एक काम करना है,
ये जो लोगो है और ये लिस्ट है इनको हमने रो में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नेव बार में क्या करूँगा, डिस्प्ले कर दूंगा सिंपल फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए रो में कन्वर्ट हो गया। अब इस लिस्ट को भी मैं रो में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो डॉट नेव लिस्ट हमने बनाया था यूएल के अंदर क्लास दिया था अगर आपको याद हो, ठीक है, अभी अभी हमने किया है, तो उसको भी हम डिस्प्ले सिंपल कर देंगे फ्लैक्स। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ गुड। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम इसकी विथ कम करेंगे, क्योंकि अभी आप देखें इसकी विथ फुल 100% है, आपको रेड कलर का जो नेव बार नज़र आ रहा है इसकी विथ फुल 100% है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम विथ कर देंगे 90% 90% से क्या होगा, आप देखें कम हो चुका है, पहले 100 था अब 90% हो चुका है, लेकिन 90% तो हमने कर दिया, हमने इसको मिडल में ले आना है, बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ, क्योंकि अभी इसका जो हाइट है वो ऑटो चल रहा है डिफ़ॉल्ट में, जितना कंटेंट होगा उतना वो हाइट ले रहा है, तो हाइट में इसमें डाल देता हूँ 12 VH का, ओके। तो 12 VH हमने हाइट डाल दिया इसमें, ये देखें आपका ये हाइट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो नेव लिस्ट है आपका, ये जो लिस्ट और ये जो लोगो है सेंटर नहीं है, देखिए टॉप से बिल्कुल टच है, इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा एक प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे क्या होगा, अभी देखें ये देखिए टॉप एंड बॉटम से सेंटर हो चुका है, कूल। अब नाउ अब हम क्या करेंगे, अच्छा इन दोनों को मैंने, लोगों को मैंने इस कॉर्नर में रखना है, नेव लिस्ट को मैंने इस कॉर्नर में रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ताकि अच्छा सा स्पेस इनके दरमियान में आ जाए, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं विच इज़ जस्टिफाई कॉन्टेंट, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से क्या होगा, ये देखें एक आपका या लोगो इस कॉर्नर में आ गया, नेव लिस्ट आपका इस कॉर्नर में आ चुका है, कूल। यहाँ देखिए, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स जब आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपके दोनों प्रॉपर्टीज़ अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कॉन्टेंट्स वॉन्ट वर्क, ये दोनों काम नहीं करने वाले, बिकॉज फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई करना लाजमी। अब देखिए क्या हो गया, तो इसीलिए फ्लैक्स बॉक्स पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरे फ्लैक्स बॉक्स का जो फुल वीडियो है आपने वो चेकआउट नहीं किया, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पर मैंने डीपली डिस्कस किया हुआ है। अच्छा अब हम चलते हैं, इसको मैंने सेंटर में ले आना है। अच्छा एक और काम करते हैं, मैंने इस नेव बार को फिक्स बनाना है, तो क्या करेंगे, पोजीशन कर देंगे फिक्स्ड। ये देखिए अभी आप देखेंगे कुछ भी इसमें चेंजेस तो कुछ भी नहीं हुआ, पोजीशन फिक्स हो चुका है, और हम टॉप यहाँ कर देंगे 0। अच्छा अब मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल बहुत ही आसान तरीका है, लेफ्ट हम कर देंगे 50%, ओके लेफ्ट 50% हो गया, और इसमें ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म। अच्छा सेंटर में कहाँ करना है, अच्छा ट्रांसलेट सेंटर कहाँ करना है, एक्स एक्सिस से, ठीक है, तो सेंटर एक्स एक्सिस से करना है, ट्रांसलेट एक्स कर देंगे -50%। अब देखें क्या हो गया, अब देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, और ये हमें यही चाहिए था, और बिल्कुल हमने इसको सेंटर में ले आए। अब क्या करेंगे, इसका ज़रा लोगों का साइज हम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4.2 rem। अब ठीक है, अच्छा अब इन लिस्ट को हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम सेक्शंस की तरफ। तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारे डॉट्स हैं, अच्छा ये जो डॉट्स हैं अंडरलाइंस इनको ख़त्म करना है, तो डॉट्स के लिए क्या करेंगे, नेव लिस्ट के अंदर जो एल आई हमने क्रिएट किया था लिस्ट, उसमें हम करेंगे लिस्ट स्टाइल नन। देखिए लिस्ट स्टाइल नन से क्या हो गया, ये देखें डॉट्स अभी आपके ख़त्म हो चुके हैं, अब हमने अंडरलाइंस रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेव लिस्ट के अंदर याद होगा आपको एल आई हमने क्रिएट, अच्छा एक क्लास है डॉट डॉट नेव लिस्ट, और इसके अंदर एल आई क्रिएट किया था, फिर हमने एंकर भी बनाया था, तो एंकर उठा के हम टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन।
जैसे ही आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे, ये देखिए आपके अंडरलाइंस भी रिमूव हो चुके हैं। अच्छा, अंडरलाइंस तो रिमूव हो गए लेकिन इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं है, तो स्पेसिंग किस तरह से लाएंगे? सिंपल, आप नेव लिस्ट में क्या करेंगे, डिस्प्ले आपने फ्लेक्स किया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैप कर देंगे 2.5 रैम का। 2.5 रैम हमने गैप डाल दिया। अब देखिए इनके दरमियान में स्पेसिंग आपको नज़र आ रहा है, गुड। अब कलर चेंज कर देते हैं और साइज भी बढ़ा देते हैं, तो कलर कर देंगे वाइट, कलर वाइट कर देंगे और इसमें हम फॉन्ट साइज डाल देते हैं, तो फॉन्ट साइज 1.2 रैम। अब देखते हैं, ये देखें कलर वाइट हो चुका है और फॉन्ट साइज भी 1.2 रैम का हमने किया। अब हम इसमें चाहता हूँ कि मैं हर एक लेटर के दरमियान में स्पेस डाल दूँ, ज़रा सा माइनर सा बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग कर देंगे 0.08 रैम। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पे हर लेटर के दरमियान में हल्का सा स्पेसिंग आपको नज़र आ रहा है, कूल। यहाँ तक सिंपल, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है, एक स्लाइडर भी बना हुआ है। देखिए जब मैं होवर कर रहा हूँ, होवर करेंगे तो क्या होगा, आपका ये मूव होना चाहिए। देखिए जब होवर करेंगे तो ये देखिए मूव हो रहा है आपका स्लाइडर, तो ये हम बनाएंगे। लेकिन उसको बनाने से पहले मैं ये सेक्शंस बना लेता हूँ, कंटेंट बाद में डाल देंगे, सेक्शन बना के हम स्लाइडर की तरफ आएंगे। ओके, तो चलते हैं अपने वेबसाइट में और यहाँ पे, अच्छा ज़रा सा समझने की चीज़ है, ये नेव बार तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाहर हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन का हम डिव बना देते हैं, सेक्शन बना देते हैं, सॉरी सेक्शन का टैग, और इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं, क्लास हीरो। ओके, अब जो भी आएगा सेक्शन के अंदर आएगा। अब देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें दो सेक्शंस है हमारे, तीन मान लेते हैं सेक्शंस। एक आपका ये लेफ्ट वाला विच इज़ डार्क ब्राउन, एक आपका ये मिडल वाला विच इज़ 3 सर्कल्स, और ये आपका राइट वाला विच इज़ लाइट ब्राउन कलर। ओके, तो ये तीन सेक्शन आपके रहने वाले। अच्छा, अगर आप इन सेक्शंस में गौर करें तो मैं पहले ये सेक्शंस बना ले तो फिर मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, वो फिर उसके बाद देखेंगे। ओके, तो तीन सेक्शंस हमने बनाने, तो मैं एक डिव बना देता हूँ विथ क्लास नेम लेफ्ट, एक डिव बनाएंगे विथ क्लास नेम मिडल, इसके अलावा लास्टली हम एक और डिव बनाएंगे विथ क्लास नेम राइट। ओके, तो तीन हमने बना लिए डिव विथ क्लास नेम लेफ्ट, मिडल और राइट, जिसमें लेफ्ट की चीज़ें होंगी हम लेफ्ट में डालेंगे, मिडल की होंगी मिडल में डालेंगे, राइट की होंगी उसमें राइट वाले डिव में डालेंगे। ओके, अब समझने की बात है यहाँ पे एक, अच्छा अगर आप इन सेक्शंस में गौर करें एक चीज़, तो इसमें कलर यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे कलर कुछ और है और बीच में आपको कोई कलर नहीं है, तो ये कलर की, तो कलर आपका डिफरेंस है। ये देखिए इस सेक्शन का कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है, तो इनको हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्लास इसमें यूज़ करेंगे। सिमिलर अगर चीज़ों की बात करें तो आप देखेंगे इस सेक्शन का विड्थ सिमिलर है इस सेक्शन से, इसका हाइट भी सिमिलर है इस सेक्शन से, ठीक है ना। तो सिमिलर चीज़ों को हम सेम क्लास में अप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे कि दो आपने एक ही क्लास क्रिएट किया हुआ है, इसमें डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, जो सिमिलर नहीं है चीज़ें, वो भी आपको बार बार अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिमिलर चीज़ों के लिए क्लास बनाएंगे और एक जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके लिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनके लिए अलग क्लास बनाएंगे। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए हम लेफ्ट और राइट यूज़ करने वाले हैं, जो सिमिलर चीज़ें हैं उसके लिए मैं एक और क्लास इसमें डाल देता हूँ विच इज़ हीरो स्प्लिट। ओके, ये हमारा सिमिलर क्लास रहने वाला है, मैं इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ राइट में, तो राइट में हम क्या करेंगे, हीरो स्प्लिट। ओके, तो ये दोनों हमने सिमिलर क्लासेस अप्लाई कर दिए। अब चलते हैं हम CSS में और इसको ज़रा सा हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, जब अभी तक हमने जो किया हुआ। ओके, तो स्क्रॉल कर दिया हमने, अच्छे से नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, चलते हैं ब्राउज़र में। अब हमने क्या करना है, मैंने कलर सबसे पहले दोनों सेक्शंस में डालना है, तो
दोनों कलर्स तो डिफरेंस हैं, तो डिफरेंट कलर्स के लिए हम क्या करेंगे, हीरो से मैं टारगेट कर रहा हूँ सबसे पहले लेफ्ट वाली क्लास को, और लेफ्ट वाले का कलर क्या डार्क ब्राउन है, तो हम हैश लगा के कलर डाल देते हैं 2C1E1, सॉरी बैकग्राउंड कलर, माइंड डाइवर्ट हो गया, मैं डायरेक्ट कलर ही डाल रहा था, तो हैश लगा के 2C1E1E ये कलर आ गया हमारा डार्क ब्राउन। और दूसरा कलर सेक्शन का डिफरेंस है कलर, तो उसमें हम हीरो को टारगेट करके उसको उससे राइट को हम टारगेट कर रहे हैं, और राइट में कलर डिफरेंट है तो बैकग्राउंड कलर, इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं समथिंग लाइट ब्राउन, तो हैश 7C57 3C, ठीक है। तो ये लाइट कलर आ गया आपका। आप चलते हैं हम ब्राउजर में, देखिए ब्राउजर में आपको अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज हमने जो सेक्शन क्रिएट किए उसमें ना कोई कंटेंट है, तो कंटेंट नहीं होगा, हाइट भी नहीं है, विथ भी नहीं है, तो हाइट और विथ अप्लाई करेंगे। तो हाइट विथ सिमिलर था, मैंने आपको क्या बोला कि हमने जो सिमिलर क्लास बनाई हुई है हीरो स्प्लिट, इस क्लास में हम हाइट एंड विथ हम डालेंगे। ओके, तो चलते हैं हीरो के अंदर, हमारे पास क्या है, हीरो स्प्लिट। तो हीरो स्प्लिट हम क्या करेंगे, इसमें विद में कर देता हूँ, दोनों का आधा आधा रहने वाला है, 100% टोटल होता है, आधा हम एक सेक्शन को देंगे आधा दूसरे को, दोनों को 50-50 दे सकते हैं, तो 50%। ओके, और यहाँ पे मैं हाइट डाल देता हूँ मिन हाइट, मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट हम दे देते हैं 100 VH का। ओके, अच्छा अब चलते ब्राउजर में, आप देखिए यहाँ पे एक सेक्शन तो हमारा आ चुका है, लेकिन दूसरा सेक्शन नहीं है यहाँ पे, और वो कहाँ है आपका, नीचे, ये देखिए। तो उसको फिक्स करने के लिए, इसको बराबर में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, और बूम गाइस, ये देखिए अब आपका, ओह सॉरी यहाँ नहीं, आपका मेन डिफ कौन सा, हीरो का है, तो हम हीरो में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कर देता हूँ, हमारा हीरो है मेन सेक्शन में, जो हमने क्लास दिया था हीरो का, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। अब देखें ब्राउजर में, अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका डार्क ब्राउन सेक्शन यहाँ आ गया, और ये लाइट ब्राउन यहाँ पे। तो अब हमें इस स्नैप बार में बैकग्राउंड कलर की नीड नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, तो चलते हैं ऊपर, और रेड कलर का जो बैकग्राउंड है इसको हम हटा देते हैं, गुड। अब आपका लोगो आ गया, नैव लिस्ट आ गया, अब हम स्लाइडर बना लेते हैं, स्लाइडर के बाद हम मजीद कंटेंट की तरफ जाएंगे। तो स्लाइडर के लिए चलते हैं HTML में, और स्लाइडर के लिए मैं जाके नया एक डिव बना रहा हूँ, उसमें क्लास दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, इसी कंटेंट जहाँ पे ख़त्म होता है कॉन्टेक्ट, यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ LI, और इसको हम क्लास दे देते हैं स्लाइडर का, हम नहीं जाने वाले, कोई भी हम डिव वगैरह नहीं बना रहे, इसी के अंदर हमने इसको डाल दिया। ओके, अब पहले स्लाइडर को डिज़ाइनिंग स्टाइल कर लेते हैं, चलते style.css में, और इससे नीचे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, तो डॉट नेव बार के अंदर, सॉरी नेव लिस्ट के अंदर आपका क्या है, स्लाइडर। अब इस स्लाइडर में क्या करेंगे, हम सबसे पहले डालेंगे बैकग्राउंड कलर, अभी देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट, और ज़रा सा मैं इसको लाइट रखूँगा, तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, अल्फ़ा वैल्यू मैंने कम कर दी 0.3 समथिंग, यहाँ देखिए अभी भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज द स्लाइडर हैज़ नो विथ एंड नो हाइट, तो हम हाइट और विथ हमें डालना पड़ेगा, तो मैं विथ इसमें डाल देता हूँ 6 RAM का, और हाइट इसमें हम डाल देते हैं 5 RAM का, 5 RAM हाइट और 6 RAM विथ। ये देखिए अब आपके पास ये आ गया, बॉक्स आ गया आपका 5 RAM विथ का, और सॉरी 6 RAM विथ का और 5 RAM हाइट का आपका एक बॉक्स आ चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो ये आपका प्लेसमेंट है, ये आपका
आउट हो चुका है। देखिए ये ऊपर आ गया आपका नेव लिस्ट, यहाँ से मूव कर गया है, तो इसको फिक्स करेंगे किस तरह से। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे आप पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे अब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप देखें नेव लिस्ट अपना अपनी जगह पे आ चुका है और ये आपका स्लाइडर आ गया। अच्छा, स्लाइडर को हमने पूरा टॉप में अटैच करना है, इसके साथ टॉप ज़ीरो कर देंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप ज़ीरो। देखिए टॉप ज़ीरो हो चुका है और मैं इसको लेफ्ट में यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप राइट ज़ीरो करते हैं तो देखें क्या होगा, राइट ज़ीरो, राइट ज़ीरो जब आप करते हैं तो देखें राइट साइड में पूरा ये ज़ीरो हो चुका है, लेकिन मुझे ये होम में चाहिए। तो उसके लिए मैं राइट में क्या करूँगा, यहाँ पर यहाँ डाल देता हूँ मैं 430 पिक्सल। अब देखें ये आपका होम में बिल्कुल आ चुका है यहाँ पे आपका स्लाइडर। अच्छा, इस स्लाइडर में मुझे बॉर्डर चाहिए, मैं आपको अगर वहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए बॉर्डर आपको चाहिए टॉप में। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर टॉप डाल देता हूँ 0.3 रैम सॉलिड। कलर हम डार्क ब्राउन डाल देते हैं, ये कलर आ गया, ये देखिए आपका बॉर्डर में आ गया टॉप का। ओके, अब नीचे से मैंने इसको राउंडेड बनाना है यहाँ से, तो अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ चलते हैं और अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। अच्छा, बॉर्डर रेडियस में ज़रा आप देखें, मुझे टॉप में नहीं चाहिए, टॉप बिल्कुल मुझे स्क्वायर ही चाहिए। नीचे से मैंने राउंडेड बनाना है, तो नीचे से राउंडेड बनाने के लिए 0 0 टॉप एंड ऊपर जो टॉप के हैं वो 0 0 और 2 रैम टॉप राइट बॉटम राइट और 2 रैम बॉटम लेफ्ट। आप देखें आप, तो ये देखें राउंडेड ये बन चुका है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, जैसे ही मैं इसको मेन्यू के ऊपर होवर करूँ तो ये स्लाइड करके यहाँ आना चाहिए, सर्विसेज के ऊपर होवर करूँ तो यहाँ आना चाहिए, इस तरह से मुझे इसको मूव करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, बैकड्रॉप फिल्टर। इससे हम क्या करेंगे, इसको ब्लर कर देंगे ज़रा सा। तो ब्लर मैं इसको करूँगा कितना, 0.5 रैम। ठीक है, देखिए ब्लर हो चुका है आपका स्लाइडर, लेकिन ये क्या हो गया, इतना ब्लर हो गया, नीचे आपका ऊपर जो आपका कॉन्टेंट है वो नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन एक बात देखें, वो आपका कॉन्टैक्ट इसके ऊपर नहीं नीचे, जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो आपका कोई भी हो यहाँ पे पॉइंटर नहीं बन रहा कर्सर, यहाँ देखिए कर्सर पॉइंटर हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्लाइडर ऊपर है और आपका नेव लिस्ट आपका होम जो है वो पीछे है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे जेड इंडेक्स और जेड इंडेक्स में कर दूँगा -1। अब क्या हो गया, ये देखिए आपका होम ऊपर आ चुका है, कूल। आप मैंने स्लाइडर बनाना है, तो स्लाइडर के लिए क्या करेंगे, बस स्लाइडर आपका क्या करेगा, जब आपकी राइट की वैल्यू चेंज होगी आपका स्लाइडर खुद ही खुद मूव करेगा, क्योंकि राइट उसको पोजीशन चेंज होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो टारगेट करेंगे, तो नेव लिस्ट के अंदर क्या है हमारा, एल आई है, ठीक है ना। तो एल आई से अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1, क्योंकि हमने किसी भी नेव लिस्ट को, अगर यहाँ पे लिस्ट आप देखें किसी को मैंने कोई भी क्लास यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हम इसको nth चाइल्ड से उठाएंगे 1 बाय 1 हर एक को। तो nth चाइल्ड सूडो क्लास nth चाइल्ड सबसे पहले 2। अच्छा, जब nth चाइल्ड 2 जैसे आता है तो 2 का मतलब आपका मेन्यू। अब nth चाइल्ड आपका 3 आएगा मतलब आपका सर्विसेज, nth चाइल्ड 4 आएगा इसी तरह से प्रोडक्ट और कॉन्टेक्ट। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हम उठाएंगे। अच्छा, नेव लिस्ट एल आई nth चाइल्ड हमारा ये हो गया, और चेंजेस हम किस चीज़ में कर रहे हैं, तो ये देखिए चेंज हम वैल्यू कौन सी चेंज कर रहे हैं, राइट वाली, ये देखिए राइट हम वैल्यूज चेंज करेंगे ताकि आपका स्लाइडर मूव करे। अब देखिए राइट आपकी 430 पिक्सल है, इसी तरह से हम इसको कम करते जाएंगे आपका स्लाइडर आगे की तरफ मूव करेगा। तो हमें चेंजेस किस में चाहिए, चेंजेस इस स्लाइडर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आपका सिबलिंग सेलेक्टर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे शिफ्ट बैकटिक आप प्रेस करेंगे तो आपका ये आपको मिल जाएगा, और
डॉट हम यहाँ पे डाल देंगे स्लाइडर, स्लाइडर में क्योंकि हम स्लाइडर की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको राइट, राइट में कर देता हूँ 330 पिक्सल। अब देखें क्या हो गया, देखते हैं ब्राउज़र में। अब देखें आपका ये मेन्यू में आ गया, इसको मैं कर देता हूँ 335 पिक्सल। ओके, अब देखें आपका मेन्यू पे आ चुका है, लेकिन मुझे चाहिए होवर पे, तो इसको हम सिंपल होवर बना देते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं चाइल्ड टू का होवर। अब देखें क्या होगा, अब दोबारा मेन्यू होम पे, जैसे हम मेन्यू पे होवर करेंगे तो आपका आ रहा है मेन्यू पे। गुड, इसी तरह से बाकी हम बना लेते हैं। तो ये आपका सेकंड चाइल्ड, टोटल 5 है हमारे पास, तो ये कॉपी कर लिया मैंने, नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट हो गए। ये आपका थर्ड चाइल्ड के लिए, ये आपका फोर्थ चाइल्ड, और ये आपका फिफ्थ चाइल्ड। अच्छा, सेकंड तो हो गया, थर्ड के लिए हम यहाँ पे राइट चेंज कर देंगे, राइट हम कर देंगे 225 पिक्सल। अब जैसे मेन्यू पे होवर कर रहे हैं, और फिर सर्विसेज पे, अभी प्रोडक्ट पे हमने चेंज नहीं की वैल्यू, देखिए प्रोडक्ट पे जैसे करेंगे तो मेन्यू पे जा रहा है, क्योंकि वैल्यू आपकी मेन्यू वाली है। तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे और कर देते हैं इसको 105 पिक्सल। ब्राउज़र में देख लेते हैं, ये देखिए मेन्यू, ये सर्विसेज पे होवर कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट। ओके, अब लास्टली आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, तो कॉन्टैक्ट की भी वैल्यू चेंज कर देंगे और यहाँ हम कर देंगे -10 पिक्सल। ओके ओके, आप अपने वैल्यू, आप देख सकते हैं वैल्यू के साथ खेल सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो आई रिमेम्बर द वैल्यूज। तो ये देखें आपका कॉन्टैक्ट पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये स्मूथ नहीं है, आपका स्लाइडर मूव तो कर रहा है लेकिन दिस इज़ नॉट स्मूथ। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लाइडर में हम क्या करेंगे, नैव लिस्ट के अंदर जो स्लाइडर हमने बनाया है, जेड इंडेक्स के नीचे मैं कर दूंगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से आपका जो है वो स्लाइडर आपका स्मूथ बन जाएगा, तो स्लाइडर ट्रांजिशन कर देंगे ऑल इज इन आउट, सॉरी स्पेस इज इन आउट। ओके, अब देखते हैं ब्राउजर में, और इसको जब हम होवर करेंगे, सॉरी टाइमर तो हम लगा दें, सॉरी 0.5 सेकेंड्स इज इन आउट। अब देखिए हम मेन्यू पे होवर कर रहे हैं, तो देखिए आपका स्लाइडर मूव कर रहा है। अब देखिए डायरेक्ट हम कॉन्टैक्ट पे होवर कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पे आ रहा है, मेन्यू पे हम होवर कर रहे हैं तो मेन्यू पे, प्रोडक्ट पे होवर कर रहे हैं तो आपका स्लाइडर मूव कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा नेव बार कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेक्शंस की तरफ। तो सेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कॉन्टैक्ट हम डाल देते हैं कॉन्टेंट। तो कॉन्टेंट में हमें क्या है, ये आपका एक H1 के टैग के अंदर ये कॉफ़ी टाइम, फिर आपका समथिंग कुछ टेक्स्ट है, फिर एक बटन है। ओके, तो पहले ये हम डाल देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं index.html में, और आपका जो लेफ्ट वाला div है, ये देखिए लेफ्ट वाला, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक div बनाएंगे विथ क्लास नेम कॉन्टेंट। ठीक है, इसमें सारा कंटेंट आएगा, सबसे पहले H1 का टैग है, और H1 के टैग में क्या है, कॉफ़ी टाइम, ये H1 का टैग हो गया। हम P का टैग लगा के इसमें लॉरम करके डमी कुछ कॉन्टेक्स्ट डाल देते 20, और इसके बाद हम एक बटन लगा देते हैं, तो बटन का टैग लगा के इसके अंदर हम डाल देते हैं कैटलॉग। और फाइनली हमारा ये वाला सेक्शन लेफ्ट वाला कम्प्लीटली जो है वो हमने कंटेंट डाल दिए। ये देखिए कंटेंट आपका, रिफ्रेश करते हैं, कंटेंट आपका यहाँ पे ऊपर आ रहा है, इसको हम फिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटेंट को फिक्स करके फिर हम इस सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं CSS में, और अच्छा यहाँ आपने देखा कि हम यहाँ पे जो है वो इसको हमने सेंटर में किस तरह से ले आना है, तो उसके लिए हम चलते हैं ऊपर। हमने हीरो स्प्लिट तो बनाया हुआ है ना, ये आपका, अच्छा लेफ्ट वाला ये रहा आपका हीरो के अंदर जो लेफ्ट है,
इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम्स, सेंटर जब आप करेंगे तो क्या होगा, अच्छा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अच्छा फ्लेक्स बॉक्स हमने अप्लाई नहीं किया अभी तक, सॉरी। तो यहाँ हम हीरो स्प्लिट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, देखिए सेंटर में आ चुका है। और लेफ्ट में हमने क्या किया है, जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमने क्या किया, जो हमारा सिमिलर क्लास था लेफ्ट और राइट में, उसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और अलाइन आइटम कर दिया सेंटर, ताकि ये टॉप एंड बॉटम से सेंटर में हो जाए। अच्छा यहाँ पे मुझे ये कॉर्नर पे बिल्कुल चिपका हुआ है, इसको मैं यहाँ पे स्पेसिंग डालना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले में, सॉरी ये रहा लेफ्ट, इसमें हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट में कर देता हूँ 3 rem। आप देखिए यहाँ से आपको स्पेस मिल रहा है। अब इसको ज़रा हम कलरिंग चेंज कर देते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या कंटेंट है, कंटेंट किसके अंदर है, लेफ्ट के अंदर हमारा कंटेंट है। और कंटेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर डाल देंगे वाइट, ताकि सबका जो कलर है वो वाइट हो जाए। देखिए कलर वाइट हो चुका है। अब इस सबसे पहले H1 को हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो कंटेंट के अंदर जो हमारा H1 पड़ा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में डाल देता हूँ 5 rem। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसका फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं, तो इसका जो वाइट कलर खाली स्ट्रोक बना हुआ है, तो पूरा फिलिंग कलर इसका वाइट नहीं है। तो उसको किस तरह से जो है वो गेट करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबकिट, ये आपका प्रिफिक्स है, वेबकिट फिल कलर, सॉरी वेबकिट फिल कलर, टेक्स्ट फिल कलर में क्या करूंगा ट्रांसपेरेंट। और इसके बाद अब देखिए क्या हो गया, आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो फिलिंग कलर है टेक्स्ट का वो अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, वेबकिट, वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक, और टेक्स्ट स्ट्रोक हम कर देंगे 0.3 rem, कलर हम कर देंगे वाइट। अब देखते हैं ब्राउजर में, तो ये देखिए आपका जो स्ट्रोक बन चुका है कौन से कलर में, वाइट कलर में, और इसका फिलिंग कलर वो अब वाइट है, और सॉरी ट्रांसपेरेंट है। इसमें मैं लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ ज़रा सा, तो लेटर स्पेसिंग हम डाल देंगे 0.3 rem। अब ठीक है, अब इसमें मैंने एक फॉन्ट अप्लाई करना है, तो चलते हैं ब्राउज़र में, चलते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। गूगल फॉन्ट्स पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप फॉन्ट्स अपने वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, मुझे एक फॉन्ट चाहिए, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सिंपल लेमन, लेमन नाम का एक फॉन्ट है वो मुझे चाहिए। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ कौन सा है, तो ये देखें ये वाला मुझे फॉन्ट चाहिए लेमन नाम का, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और नीचे से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रेगुलर, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए आपका आपके पास आ चुका है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट में ही देखिए लिंक और इम्पोर्ट बना हुआ है, इम्पोर्ट में हम जाके ये आपका स्टाइल टैग के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है ये इम्पोर्ट का, इसको हम कॉपी करके अपने वी एस कोड में जाके इसको टॉप में, सबसे टॉप में जहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा है इसको टॉप में हम कर देंगे पेस्ट। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में, अभी देखें आपको अप्लाई तो नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे आप इसको स्क्रॉल जब करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली मिल रहा है, तो इस फॉन्ट फैमिली को सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करना है और चलते हैं वी एस कोड में, और जहाँ भी आपने इसको अप्लाई करना है, मैंने अभी एच वन के टैग के अंदर करना है तो मैं H1 के टैग के अंदर सिंपल इसको कर दूंगा पेस्ट। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, अब देखें ब्राउज़र में चलते हैं, अब आपका ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुका है, और ज़रा अब हम स्ट्रोक कम कर देते हैं, यहाँ से 0.3 हो गया ना, तो हम अगर इसको करते हैं 0.2, पॉइंट ज़ीरो फोर ओके, और लेटर स्पेसिंग मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, कंटेंट के अंदर, ये जो हमारा कंटेंट मेन डिव है इसका, कंटेंट के अंदर जो हमारा पी है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कलर दे देता हूँ वाइट, कलर तो वैसे वाइट है, हम यहाँ से अल्फ़ा वैल्यू कम कर देंगे, मैंने कम कर दिया अल्फ़ा वैल्यू। अब देखें आपका ये ज़रा सा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। अब मैं इसमें फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, तो फॉन्ट साइज 1.3 रैम, अच्छा बहुत ज़्यादा हो गया, 1.2। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ मैक्सिमम मैक्स विद, और मैक्स विद हम कर देते हैं मैक्स विद 85%, रिफ्रेश करते हैं। इसमें ज़रा सा मैं, अच्छा 80%, मैक्स विद हमने 80%, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें मैं इसमें स्पेसिंग डालना चाह रहा हूँ टॉप एंड बॉटम से, तो उसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन, तो मार्जिन टॉप एंड बॉटम में कर देता हूँ 1 रैम, और लेफ्ट एंड राइट मैंने कर दिया 0। तो अब देखिए इनके दरमियान, यहाँ पे देखिए टॉप में आपको स्पेस नज़र आ रहा है और बॉटम में भी, इसको ज़रा बढ़ा देते हैं, तो मैं कर देता हूँ 1.3 रैम। अब ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लाइन हाइट भी डाल सकते हैं, तो ये देखिए अब हर लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ ना अटैच हुआ हुआ है, तो इसमें लाइन हाइट किस तरह से डालेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं लाइन हाइट और लाइन हाइट, और लाइन हाइट में कर देता हूँ इसमें 1 रैम करके देखते हैं, अच्छा 1.5, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 1.7 रैम। अब ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ विद 85%, अच्छा 70% पे, अब ठीक है ज़रा सा बढ़ा देते 75%, ठीक है ओके। अब हम ये बटन डिज़ाइन कर लेते हैं, तो बटन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं यहाँ से हम कंटेंट उठा के, और कंटेंट के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बटन, बटन को थोड़ी टारगेट करेंगे, और बटन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर की, अच्छा अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं, तो
तो बैकग्राउंड कलर सिंपल बैकग्राउंड कलर नहीं है, बल्कि ये एक रेडियल ग्रेडियंट है। जैसे इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो उसका रेडियल ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। तो एक रेडियल ग्रेडियंट है तो उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल डालेंगे बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड ओनली, और इसमें मैं कर देता हूँ रेडियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस तरह से अब डालेंगे, तो इसका डायरेक्शन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख लेते हैं, तो डायरेक्शन क्या है इसका, टॉप, ये देखिए आपका जो रेडियल ग्रेडियंट है, ये देखो लाइट सा कलर है वो कहाँ पे, तो अब जब हमने होवर नहीं किया हुआ तो कहाँ पे, टॉप लेफ्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 टॉप लेफ्ट। अब हम कलर इसमें बता देते, तो फर्स्ट कलर हमारा जो टॉप लेफ्ट में होने वाला है वो हमारा लाइट सा कलर है, तो हम कलर दे देते हैं इसमें हैश 5A 4740 4740, ये हमारा लाइट सा कलर आ गया। अब सेकंड कलर इसमें डार्क सा, वही जो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ डार्क ब्राउन, वो कलर हम इसमें डाल देते हैं। ओके, आप यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये देखिए इसमें कलर आ गया। अब इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, तो इसमें पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग टॉप एंड बॉटम में कर देता हूँ 1 RAM और लेफ्ट एंड राइट कर देते हैं 3 RAM। ओके, और एक काम करेंगे, बॉर्डर कर देते हैं 1 RAM सॉलिड, और कलर डाल देते हैं वाइट, और अल्फा वैल्यूम कर देंगे कम, तो यहाँ से अल्फा वैल्यू कम कर देते हैं। ओ, ज़्यादा हो गया 1 RAM, 0.1 RAM, 0.2, ठीक है। आप फॉन्ट साइज इसमें डाल देता हूँ मैं, तो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर देते 1.3 RAM का। फॉन्ट साइज के लिए कलर भी तो डालना पड़ेगा, तो कलर हम कर देंगे वाइट। ओके, ये देखें कलर आ गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसमें बॉर्डर रेडियस डालना बाकी है, तो बॉर्डर रेडियस हम डाल देते हैं। बॉर्डर रेडियस कैसे डालेंगे, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 4 RAM। अब देखें राउंडेड बन चुका है, लेकिन अब इन लेटर के दरमियान में स्पेसिंग मैंने डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग डाल देंगे, लेटर स्पेसिंग 0.2 RAM, ज़्यादा हो गया 0.02 0.1 RAM। ओके, आप ठीक है। आप जैसे ही मैं इसको होवर करूँ तो क्या होना चाहिए, इसका जो रेडियल ग्रेडियंट है वो चेंज होना चाहिए, तो इसका होवर जल्दी से हम बना देते हैं। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम होवर इफेक्ट बना देते हैं। तो होवर में क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर, हमारा कंटेंट के अंदर हमारा क्या है, बटन है, और बटन पे हम क्या लगा रहे हैं, होवर। ये होवर आ गया, और इसमें क्या होना चाहिए, तो ऊपर से हम ये बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और नीचे हम कर देंगे इसको पेस्ट। अब इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, टॉप लेफ्ट में था, अब देखें जैसे मैं इसको होवर करूंगा क्या होगा। होवर हमने किया, इसको रिफ्रेश करते, होवर किया तो देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे बॉटम राइट पे आ रहा है। तो डायरेक्शन हम इस तरह से चेंज करेंगे, 8 बॉटम राइट, ठीक है। अब ये वेबसाइट में आके यहाँ देखिए जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये किया मैंने होवर, तो देखिए कहाँ जा रहा है, बॉटम राइट। ओके, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं इस सेक्शन की तरफ। ये जो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इमेज है, और आगे हम क्या करना है, देखिए राइट साइड में हमें क्या करना है, इमेज डालना है, सिंपल एक ही इमेज है,
और वो हमें इमेज डालना है राइट हैंड साइड पे। ओके, तो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, इमेज डाल देंगे। तो चलते हैं वीएस कोड में और index.html में क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड वाला div ये रहा, और यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इमेज का टैग लगा के, इमेज का टैग लगा के हम सोर्स के अंदर इमेज डाल देंगे इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, और कौन सा इमेज हमारा, कॉफी स्प्लिट वाला, कॉफी स्प्लिट डॉट png ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, आप चलते हैं ब्राउजर में और देख लेते हैं कहाँ पे हमारा इमेज, ये देखिए हमारा इमेज आ चुका है, लेकिन ये इमेज सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, style.css में चलते हैं और ऊपर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड, उसमें क्या करेंगे हम अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, सॉरी अलाइन आइटम अप्लाई कर चुके हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखिए अब आपका इमेज जो है वो सेंटर में आ चुका है। कूल, अब एक काम करते हैं, अब हमने क्या करना है, मैं ज़रा यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ। चलते हैं इसके कंटेंट के अंदर जो पी है, पी का टैग है ये रहा, इसका ज़रा हम कलर भी ट्रांसपेरेंसी ज़रा सा बढ़ा देते हैं, और ये मैं कर देता हूँ 1.3 और लाइन हाइट 1.8 फ्रेश करते हैं। टू रैम अब ठीक है, तो टू रैम का हमने लाइन हाइट इसमें डाल दी है। ओके, और यहां पे इनके दरमियान में क्या है, वन मार्जिन मैंने डाला है 1.3, यहाँ पे अगर इसको 1.5 करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को मैं साइज दे देता हूँ। तो चलते हैं ब्राउजर कह रहा हूँ वीएस कोड में, और वीएस कोड में हम क्या करेंगे, हमारा इमेज कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है, राइट में हमारा जो इमेज है उसको हम हाइट दे देते हैं 65%। तो देखें हाइट 65% हो गया, और मैं यहाँ पे ज़रा सा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 3 रैम कर देते हैं आप, ठीक है। उसका साइज़ ज़रा अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे 68%, ठीक है, आई थिंक 65 ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर है, ये देखिए सेंटर में हमारे जो 3 सर्कल्स हैं, हम अब ये डिज़ाइन करेंगे कि हमारा इमेज तो आ चुका है। अब चलते हैं हम ये तीनों सर्कल्स डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 68%। और अब हम सर्कल डिज़ाइन करने के लिए index.html में जाके क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो मिडल वाला डिव है उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल 3 सर्कल्स बनाएंगे। तो मैं डॉट डिव बनाने के लिए क्या करूँगा, डॉट लगा के इस क्लास नाम दे रहा हूँ सर्कल, कितने सर्कल बना रहा हूँ 3, तो स्टेरिक 3, ये देखिए 3 सर्कल्स बन चुके हैं, 3 डिव बन चुके हैं विद क्लास नेम सर्कल्स। ओके, अब हम चलते हैं css में डायरेक्टली इनको डिवर्ड स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो style.css में, और style.css में क्या करेंगे हम, मिडल वाला तो हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो मिडल से डायरेक्ट इसको हम टारगेट कर देते हैं। तो डॉट मिडल के अंदर हमारे क्या है, डॉट सर्कल, 3 सर्कल्स हैं हमारे, जो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनको देख लेते हैं कहाँ पे, तो विद एंड हाइट डालना पड़ेगा, विद में डाल देता हूँ 9 रैम का, और हाइट भी हम 9 रैम डाल देते हैं, 9 रैम का हाइट हो गया। और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट,
देखते हैं ब्राउजर में, तो ये देखें आपका आपके पास जो है वो पूरा सा एक लाइन आ गया वाइट कलर का। तो इसको सर्कल में बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस डालेंगे ताकि सर्कल बन जाए। बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 8 रैम। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे डॉट मिडल को उठा लेते हैं, डॉट मिडल, और यहाँ पे हम कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। रिफ्रेश, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। पोजीशन एब्सोल्यूट, ये देखिए 3 सर्कल्स आपके पास आ गए। अब इन सर्कल्स को मैंने सेंटर में ले आना है, यहाँ पे बिल्कुल। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम, अच्छा ये अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, फ्लेक्स बॉक्स नहीं अप्लाई करेंगे अगर, तो अभी के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स हटा रहा हूँ। तो ये देखिए कॉलम में ऑलरेडी, बिकॉज ये डिव है, डिव के अंदर हमने सर्कल बनाए, तो टॉप यहाँ पे हम टॉप कर देते हैं 50%, ताकि ये सेंटर में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें टॉप 50%, लेफ्ट कर रहा हूँ 50%, और ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट के अंदर हम दो जो है वो वैल्यूज डाल रहे हैं, एक एक्स एक्सिस की -50% और दूसरी वाई एक्सिस की -50%। अब क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ये देखिए सेंटर में आ गया बिल्कुल, विच इज़ गुड नाउ। अब इनके दरमियान में मैंने स्पेस डालना है, तो स्पेस डालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा मैंने आपको पहले ऊपर क्या बताया कि हम nth चाइल्ड से बगैर क्लास दिए हुए किसी को भी हम उठा सकते हैं बाय गिविंग nth चाइल्ड सूडो क्लास। तो क्या करेंगे, डॉट मिडल के अंदर जो हमारा सर्कल है, सर्कल को हमने उठाया और उसके अंदर हम लगा देते हैं nth चाइल्ड, nth चाइल्ड। अब nth चाइल्ड अगर हम 2 को उठा के क्या करेंगे, n चाइल्ड 2 हमने उठाया, 2 का मतलब क्या है, ये n चाइल्ड 1 है और ये 2 है, तो 2 का मतलब ये वाला है, तो इसमें मैं मार्जिन डाल देता हूँ ऊपर से, या पैडिंग डाल दें, तो यहाँ पे मैं पैडिंग डाल देता हूँ, अच्छा मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन टॉप एंड बॉटम हम कर देते हैं 2 रैम और लेफ्ट एंड राइट 0। अब ठीक है, देखिए इनके दरमियान में स्पेस आ चुका है, इसके सर्कल की जो ज़रा सर्कल का हम साइज बढ़ा देते हैं 9, अगर मैं कर देता हूँ इसको 10 रैम यहाँ पे और 10 यहाँ। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इमेजेस डाल देंगे इन सर्कल्स के अंदर। तो सर्कल्स के अंदर इमेजेस किस तरह से डालते हैं, तो मैं nth चाइल्ड से डाल रहा हूँ 1 by 1 करके, इसको कॉपी कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा nth चाइल्ड 1 और नीचे हो जाएगा nth चाइल्ड 3। तो इसको कर देते हैं nth चाइल्ड 1 और nth चाइल्ड 3, इनमें हमें मार्जिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनमें मार्जिन हटा देते हैं। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेजेस डालेंगे, तो nth चाइल्ड 1 में कौन सा इमेज आने वाला है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। nth चाइल्ड 1 में हमारा कॉफ़ी पाउडर आने वाला है, ये वाला इमेज। तो यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट, अच्छा स्टाइल डॉट सी एस एस में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज हम क्या करेंगे URL, और यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश और कॉफ़ी पाउडर हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देखें इसके अंदर इमेज आ रहा है, लेकिन बहुत जूम है तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से 1 by 1 करके हम इसमें इमेजेस डालते जाएंगे। तो सेकंड वाले में कौन सा इमेज डालेंगे, कॉफ़ी बीन का, तो बैकग्राउंड इमेज हम कर लेते हैं URL, और इसके अंदर सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश और ये कॉफ़ी बीन्स।
इसी तरह से अब थर्ड में यहाँ पे मैं कर देता हूँ एनचल 3 और बैकग्राउंड इमेज डाल देते हैं, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यूआरएल डाल के सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा इमेज, लीव्स डॉट पीएनजी। ओके, अब ये देखिए तीनों में इमेजेस आ गए लेकिन बहुत जूम है, तो इनको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्कल के तीनों को, तीनों की एक सिमिलर क्लास है विच इज सर्कल, तो सर्कल में क्या करूँगा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड पोजिशन, सॉरी बैकग्राउंड पोजिशन और बैकग्राउंड पोजिशन हम कर देंगे सेंटर, तो इसे देखते हैं क्या होगा। तो इन तीनों इमेजेस की बैकग्राउंड जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी, लेकिन अभी अभी भी ये जूम है, तो इसको और फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे अगर हम करेंगे बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज में कर देता हूँ कवर, तो अब देखें क्या होगा। ये देखिए तीनों का अब साइज फिक्स हो गया है, लेकिन मुझे इसको जूम करना है यहाँ से। ये देखें, अगर मैं आपको आपको वेबसाइट दिखाऊँ, ये जूम है तीनों इमेजेस, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले इमेज में डाल देता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज कर देता हूँ 350%। अब देखें क्या होगा, ये देखिए बिल्कुल जूम हो चुका है आपका ये वाला इमेज, फर्स्ट वाला। ओके, तो इसी तरह इनके लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड साइज कवर, अब इसको भी मुझे जूम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वाले में मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज, इसमें भी मैं कर देता हूँ 350%। तो ये देखें अब ये भी इतना जूम हो चुका है, 350% वो जूम हो गया है, और यहाँ से हम बैकग्राउंड साइज हटा देते हैं कवर। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई हुई, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर बस, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक और विच इज़ बैकग्राउंड रिपीट, ताकि इमेज बार बार रिपीट भी ना हो, तो बैकग्राउंड रिपीट हम कर देते हैं नो रिपीट। ओके, और सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज डाल देते हैं, बैकग्राउंड साइज में कर देता हूँ 130%, सॉरी 80% कर लेते हैं, हंड्रेड, अब मैं सेकेंड वाले इमेज में, जो हमारा सेकेंड वाला इमेज है वहाँ पे मैं बैकग्राउंड साइज डाल देता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज हम यहाँ पे कर देते हैं 180%। ओके, तो अब देखें यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और ये देखें सेकेंड वाले का क्या हो गया, 180% और इन दोनों का 350% बैकग्राउंड साइज। ओके, लास्टली हमने क्या करना है, इनके राउंड जो है वो अराउंड क्या करना है, डॉट डॉट वाले सर्कल लगाने, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल से हमने क्या करना है,
सूडो एलिमेंट यूज करके कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उठा रहा हूँ मिडल, जो हमारा मिडल वाला डिव है, क्लास है मीन्स, उसमें हम क्या करेंगे, कौन सा उठा रहे हैं, सर्कल, सर्कल डॉट सर्कल, और उसमें हम लगा रहे हैं बिफोर सूडो एलिमेंट। तो बिफोर से हम क्या करेंगे, सर्कल्स बनाएंगे। अच्छा, जब भी आप सूडो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा अप्रोच क्या होगा, कॉन्टेंट। तो कॉन्टेंट जब तक आप नहीं डालेंगे कोई भी आपका आगे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो कॉन्टेंट हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, और बैकग्राउंड कलर इसमें मैं डाल देता हूँ रेड, ठीक है। तो अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए विद एंड हाइट देना पड़ेगा। तो विद मैं इसमें दे देता हूँ 100% का, और इसी के साथ हाइट भी दे देंगे 100%। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया, ये देखिए आपको रेड कलर का ये स्ट्रिप नजर आ रहा है बॉक्स, ये देखिए पूरा रेड कलर का ये स्ट्रिप नजर आ रहा है। तो ये देखिए हम नीचे जा चुका है, ये इसको फिक्स किस तरह से करेंगे, तो पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने बिफोर एलिमेंट में किया हुआ है। तो ऊपर सर्कल वाले क्लास में मैं जाके क्या करूँगा, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव कर दिया। और इसमें जो मैंने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया था वो यहाँ से मैं कॉपी करके नीचे भी अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ओके। अब ठीक है, अब देखिए तीनों के ऊपर ये सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रेड कलर का, तो ये आपका सूडो एलिमेंट है। अब मैंने बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर क्या करेंगे, बॉर्डर 0.3 rem। अच्छा, सॉलिड अब मुझे नहीं रखना, मुझे डैश्ड रखना है, ठीक है, तो डॉट डॉट वाले, डैश्ड वाले सॉरी, तो डॉटेड भी आप रख सकते हैं। देखिए अगर मैं डॉटेड रखता हूँ, डॉटेड, और कलर हम कर रहे हैं वाइट, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अब देखिए आपको डॉटेड नज़र आ रहे हैं, ये देखिए डॉटेड है, तो मुझे तो डॉटेड नहीं चाहिए, मुझे डैश्ड वाले चाहिए, तो इसी तरह हम डैश्ड बीच में लगा सकते हैं, तो डैश्ड, और अब देखिए यहाँ पे ये डैश्ड आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम सेंटर में लाने के लिए इसको बिल्कुल, तो क्या करेंगे, इसमें टॉप में कर देता हूँ 50%, लेफ्ट 50% कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ मैं ट्रांसलेट, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके ये जो सर्कल है बिल्कुल सेंटर में आएंगे, -50% एक्स एक्सिस के लिए, और कॉमा लगा के -50% वाई एक्सिस के लिए, ओके। आप देखिए बिल्कुल ये सेंटर में आ चुके हैं। अब मैंने इसमें पैडिंग डालना पड़ेगा, तो मैं इसमें पैडिंग डाल देता हूँ ताकि ये इस सर्कल से थोड़ा सा अलग हो, जैसे आप ये वेबसाइट में आप देखें इससे बिल्कुल अलग है, तो उसके लिए पैडिंग डालेंगे सिंपल। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग हम कर देते हैं 0.3 rem, अगर करते हैं 0.3 कम है, ज़रा बढ़ा देते हैं इसको। अच्छा, ये बॉर्डर में कर देता हूँ 0.2, और इसको अगर हम करेंगे 1 तो क्या होगा, 1 rem तो बहुत ज़्यादा हो गया, 0.1 rem, ठीक है, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 0.1, .4 rem पैडिंग, और यहाँ हमने गैप डाला हुआ था, गैप और मार्जिन, अच्छा 2.5 अगर करें हम मार्जिन, ओके,
3 रैम, अब ठीक है। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, अच्छा ये हम इसका सर्कल्स का जो साइज़ है वो कम कर देते हैं। सर्कल्स हमारा 10 रैम पे, 9 रैम हाइट, 9 रैम विथ और 9 रैम हाइट, ओके। और ये डॉटेड में ज़रा सा यहाँ पे हम बॉर्डर कर देते हैं 0.25। अब ठीक है, ये देखें हमारा ये वेबसाइट कॉफ़ी वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ये आपके मिडल में 3 सर्कल्स आ गए और ये आपका आ गया इमेज। अच्छा यहाँ पे मैं पैडिंग को छोड़ दें, यहाँ पे मार्जिन अगर देखें 2.5 है, हम कर देते हैं 3। अब ठीक है, तो ये देखें ये आपका स्लाइडर भी कंप्लीट हमने कर लिया था और यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गया और आपका मिडल में 3 सर्कल्स भी आपके आ गए। अच्छा यहाँ पे अगर पैडिंग में कर देता हूँ 0.5, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कॉफ़ी वेबसाइट फुली कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको कंप्लीटली बना लिया है। आई होप आपने हर स्टेप्स को अच्छे से समझा होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट को मैं रिस्पॉन्सिव भी बनाना सिखाऊं आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बनाना, किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाएंगे वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यह आपका कॉफ़ी वेबसाइट पूरा कम्प्लीट हो चुका है। आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next tutorial. Till then, bye-bye.